YouTube मोनेटाइजेशन। आज की इस मज़ेदार वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा YouTube मोनेटाइजेशन क्या है, इसकी कंडीशंस क्या हैं और एक चैनल को मोनेटाइज्ड होने में कितना टाइम लगता है, कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है अगर आप YouTube से एक अच्छी अर्निंग करना चाहते हो, और ये भी बताऊंगा अगर आपसे कोई गलती हो चुकी है तो उस गलती को आप कैसे सुधार सकते हो कि चैनल डीमोनेटाइज ना हो। तो ओवरऑल बता दूं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक मोनेटाइजेशन कैसे की जाती है और कैसे आपका चैनल ग्रो करता है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टीनू, आप देख रहे हो चैनल सेव मनी वर्ल्ड। तो चलो शुरू करते हैं और मैं बताता हूँ क्या प्रोसेस है और मोनेटाइजेशन कैसे काम करती है। सबसे पहले बात करते हैं मोनेटाइजेशन की। मोनेटाइजेशन किस चीज़ को कहते हैं? अगर आप एक वीडियो अपलोड करते हो और उससे आपको रेवेन्यू जनरेट होने लग जाए, इस प्रोसेस को कहते हैं मोनेटाइजेशन। अब बात आती है मोनेटाइजेशन कैसे की जाती है। आपकी कोई भी आप वीडियो अपलोड करते हो, ऐसा नहीं है कि आज आपने वीडियो डाली मोनेटाइज हो जाए, नहीं। इसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस कौन कौन सी हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं समझ आएंगी, हो सकता है बाद में आपको उस चीज़ से दिक्कत फेस करनी पड़ जाए। मोनेटाइजेशन की कंडीशंस हैं, सिंपल कंडीशंस हैं और देखा जाए तो अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो बहुत मुश्किल कंडीशंस भी यही हैं। कंडीशंस ये हैं, सबसे पहले आपके YouTube चैनल पर 1000 मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके YouTube चैनल पर 4000 घंटे का पब्लिक वॉच हावर होना चाहिए, मतलब 4000 घंटे का वॉच टाइम आपकी वीडियोस के थ्रू आना चाहिए आपके चैनल पे। तीसरी जो चीज़ है वो YouTube ने न्यू अपडेट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है अगर आप अपना चैनल मोनेटाइज्ड करना चाहते हो तो आपके चैनल पर पिछले 3 महीने में कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आनी चाहिए, मतलब कि आप किसी का कंटेंट कॉपी करके नहीं डाल सकते हो, सिर्फ वही कंटेंट डाल सकते हो जिसकी आपको परमिशन दी गई है। अगर आप किसी का भी कंटेंट कॉपी करते हो तो आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं उन गलतियों की जो कि यूज़र्स करते हैं अपने चैनल को जल्दी से मोनेटाइज कराने के लिए, लेकिन ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देखिए इसमें क्या करते हैं, कई यूज़र यूज़ करते हैं सब फॉर सब वेबसाइट की, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूँ, ये बिल्कुल गलत है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कभी काम नहीं आएगा। मान लीजिए आपने करा भी लिए सब्सक्राइबर्स, बढ़ा लिए सब फॉर सब करके, जब आप कोई वीडियो डालोगे ना तो उस पर आपको व्यूज़ नहीं आएंगे। आपके सब्सक्राइबर्स देखोगे लाख सब्सक्राइबर हैं या 10,000 सब्सक्राइबर, लेकिन व्यू आ रहे हैं 100-200, क्या फ़ायदा उसका, आपको उस चीज़ से कोई अर्निंग नहीं होगी ना कोई फ़ायदा होगा, तो ये चीज़ें मत करो। दूसरी जो गलती करते हैं कि पेड वॉच टाइम लेते हैं या पेड व्यूज़ लेते हैं। पेड व्यूज़ का सबसे बड़ी गलत चीज़ उसके अंदर ये है कि अगर आप पेड व्यूज़ लेते हो, मान लीजिए आपने 10,000 पेड व्यूज़ लिए, ठीक है, 10,000 व्यूज़ आपकी वीडियो पे आ जाएंगे, 3-4 दिन बाद देखोगे वो व्यूज़ डिक्रीज़ हो जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो इस चीज़ को डिटेक्ट करता है और उसको ऑटो डिलीट कर देता है, जो फ्रॉड व्यूज़ होते हैं उनको डिलीट कर देता है। तो इस चीज़ को ना करो तो अच्छा है, अदरवाइज़ आपके चैनल को मोनेटाइज अगर हो भी जाए गलती से तो उसको डीमोनेटाइज कर देगा या उसको गूगल बिल्कुल ब्लॉक कर देगा, तो ये गलती मत करो। तीसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप किसी का भी कॉपी कंटेंट मत डालो। अगर गूगल को लगता है कि कॉपी कंटेंट डाला है, क्योंकि गूगल के एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा सेफ हैं, उनको पता है कि आप क्या डाल रहे हो और आगे वाला यूज़र क्या देखना चाहता है, तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखो। अगर आप किसी का भी कंटेंट कॉपी कर रहे हो विदाउट परमिशन, तो गूगल के पास पूरा हक है कि वो आपके चैनल को यूट्यूब से डिलीट कर दे। डीमोनेटाइज तो अलग चीज़ है, डिलीट ही कर देगा, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखो। अब बात करते हैं हम, आपको गलतियां पता लग गई क्या गलतियां नहीं करनी है, कंडीशंस पता लग गई क्या कंडीशंस हैं। अब बात करते हैं इस चीज़ के बारे में कि आखिरकार एक चैनल को जेन्युइन तरीके से कैसे मोनेटाइज किया जाए। तो इसका तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है अगर आप मेहनत करते हो तो। इसमें आप रेगुलर वीडियो अपलोड कीजिए, रेगुलर
ऐसा नहीं आज आपने एक वीडियो कर दी उसके बाद आप 3 महीने बाद अपलोड कर देना, नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसे करोगे तो बिल चैनल मोनिटाइज कभी नहीं होगा। इसमें आप क्या करो कि रेगुलर वीडियो डालो, शॉर्ट्स डाल सकते हो आप, जैसे आपको पता है शॉर्ट्स भी मोनिटाइज हो रहे हैं, ठीक है, आप रेगुलर वीडियो डालो। दूसरा, अपने जो सोशल नेटवर्क्स हैं उन पर अपने चैनल को शेयर करो, अपने फ्रेंड सर्कल में बताओ कि आपका चैनल है, किस नीच पर है उसके बारे में बताओ, ठीक है। कोशिश करो कि वीडियोस की क्वालिटी अच्छी रखी जाए। स्टार्टिंग में हो सकता है कि नहीं समझ आए, वीडियो एडिटिंग करने में दिक्कत है, धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे जैसे आप रेगुलर वीडियो डालोगे 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद आपको अपने आप अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके चैनल ग्रो कर रहा है, आपके चैनल पे व्यूज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपका वॉच टाइम बढ़ रहा है। मान लीजिए आपने आज एक वीडियो डाली, उस पर 10 व्यूज़ आए, ओके, कल फिर वीडियो डाली, ऐसे 10 दिन आपने लगातार वीडियो डाली, आपके चैनल पर कितनी वीडियो होगी, 10 वीडियोस होगी। पहले आपको एक दिन में 10 व्यूज़ आ रहे, अब आपको हर वीडियो पे 10-10, 5-5 व्यूज़ आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका चैनल ग्रो हो रहा है, आपके चैनल को यूट्यूब खुद शेयर करता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, यूनिक है, कॉपी कंटेंट नहीं है, तो यूट्यूब आपके चैनल को खुद प्रमोट करता है फ्री में, बिना कोई पैसा लिए। तो ये चीज़ें आप करो तो चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का, और मोनेटाइज होने के बाद के फ़ायदे भी मैं बताऊंगा। तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है, कैसे आप मोनेटाइज कर सकते हो अपने चैनल को जेन्युइन तरीके से। अब बात करते हैं, चैनल मान लीजिए मोनेटाइज हो गया, अब आपको क्या फ़ायदा है? क्या आपको पैसा मिलेगा, क्या आपको फेम मिले, क्या क्या चीज़ मिलेगी? तो मैं बता दूं आपको, यूट्यूब जितना भी एडवर्टाइजिंग का पैसा होता है, मान लीजिए कोई एडवर्टाइज़र यूट्यूब पर किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है 100 रुपये लगा के, तो आपको अगर आपकी वीडियो पे वो प्रमोशन होती है तो आपको 58 रुपीज़ गूगल देता है, मतलब एक तरीके से 58% का शेयर आपके आपको दिया जाता है अर्निंग का। अब इसमें क्या होता है, अब कई यूज़र बोलते हैं 1000 व्यूज़ का कितना मिलता है, तो उसका भी मैं बता देता हूँ। 1000 व्यूज़ का डिपेंड करता है कि आपका जो एडवर्टाइजिंग आ रही है आपके चैनल पर या आपकी वीडियो पर, उसका RPM क्या है, CPM क्या है, कॉस्ट पर क्लिक है या कॉस्ट पर व्यू है, किस टाइप की ऐड है, स्कीपेबल ऐड है, विदाउट स्कीपेबल ऐड है या पॉपअप ऐड है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। उसके बाद जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपनी वीडियो का बताता हूँ, मेरे चैनल पर एक वीडियो है जिस पे 1000 अगर व्यूज़ आते हैं, 1000 व्यूज़, तो उसका अप्रोक्स 256 रुपीज़ तक मिलता है। इसी टाइप से कई वीडियोस पे मेरे पास ऐसी ऐड भी आ रही हैं जिनका 60 रुपीज़ मिलता है 1000 व्यूज़ का। तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके वीडियो के ऊपर जो ऐड आ रही है उस पर डिपेंड करता है कि आपको 1000 व्यूज़ का कितना पैसा मिलेगा। लेकिन यूट्यूब से पैसा आता है, ये गारंटेड है, काफ़ी सारे यूज़र्स कमा रहे हैं और बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। कि मोनेटाइजेशन क्या है, मोनेटाइजेशन के तरीके क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, सारी चीज़ें मोनेटाइजेशन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बता चुका हूं। अगर अब भी आप गलती करोगे तो उसका कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना, कुछ समझ नहीं आया, तो कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसी टाइप की और भी मज़ेदार वीडियोज़ मैं इस चैनल पर लाता रहूँ। और मिलते हैं अपनी एक और नई मज़ेदार वीडियो में बहुत जल्द।